नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल एट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भाई जब गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो रही हो उस समय गाड़ी को चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। सो हमारे सब्सक्राइबर्स हमसे सवाल पूछें और हम उस सवाल का जवाब ना दें ऐसा संभव नहीं है। सो ये वाला सवाल एक ऐसा है जो जनहित में ज़रूर जारी होना चाहिए। सो चाहता तो मैं उस चीज़ का वहीं पर जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा भाई वीडियो बनाएंगे, इससे पहली चीज़ एक तो कंटेंट मिल जाएगा और दूसरी चीज़ लोगों को जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है। सीधा सा जवाब दूं कि आप आपकी गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट के दौरान चला सकते हैं या नहीं, तो जी हाँ, आप गाड़ी को चला सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। होता क्या है, आपका जो ECU है वो इंजन को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एयर और फ्यूल दे रहा होता है। सो ECU को ये पता होता है कि इंजन में जो टेम्परेचर है वो लो है, उसे फटाफट अपने को खाना पीना दे के उसको गर्म करना है। सो जब इंजन गर्म हो जाएगा तो वो नॉर्मली काम करने लगेगा। जब तक इंजन गर्म नहीं होता तब तक इंजन को आप ज़्यादा रेव ना करें, ज़्यादा तेज़ी से रगड़े ना, नहीं तो पता चले कि गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो रही है और आप 80-90 पे रगड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है। हाँ, फर्स्ट सेकंड गियर में आराम से क्लच ब्रेक से खेलते खेलते आप गाड़ी को चला सकते हैं। सो ये थी बात कोल्ड स्टार्ट में आप गाड़ी को चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं उसकी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमारे सब्सक्राइबर ने एक चीज़ और पूछी थी कि भाई दिन में अगर बार बार कोल्ड स्टार्ट गाड़ी ले तो क्या हर बार रुकना चाहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपका वहम है। नॉर्मल इंडिया में ऐसी वेदर कंडीशन है कि गाड़ी खासकर अगर मैं नॉर्थ एकदम हिमाचल वाले और हिमालय वाले एरिया को हटा के बात करूं तो उसके अलावा जितने भी एरिया हैं वहां पर गाड़ियां दिन में अगर एक बार भी स्टार्ट होती है ना तो उनका कोल्ड स्टार्ट का कोटा पूरा हो जाता है, फिर उससे ज़्यादा बार बार गाड़ी कोल्ड स्टार्ट नहीं लेती। अगर आपकी गाड़ी के RPM बढ़ रहे हैं अननेसेसरी तो एक बार आप अपनी ऑनर्स मैनुअल चेक करें, और वहाँ पर भी आपकी दिक्कत सॉल्व नहीं होती, समझ में नहीं आता, तो अपने सर्विस सेंटर को कॉल करें, फालतू इधर उधर के चक्कर में मत पड़े। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा इस वाले चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।